नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अतीक की हत्या के बाद कई लोग ऐसे भी हैं जो इनके लिए हमदर्दी दिखा रहे हैं। ओबीसी जैसे नेताओं और सपा के नेताओं को अतीक की हत्या से काफी दुख है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ने तो अतीक की कब्र पर ही तिरंगा रख दिया था और भारत रत्न देने की बात कही। वहीं अब सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क को अतीक के बच्चों की चिंता है। जी हाँ, वही इसी के चलते उन्होंने योगी सरकार से गुहार लगा दी है कि क्या कहना है उनका, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के संभल के सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया। सपा सांसद ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या का सीधा आरोप यूपी सरकार पर लगाया है। सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान ने कहा कि यूपी में सुरक्षा नहीं, मुल्क में इंसाफ नहीं, तो अदालतें बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, यूपी की योगी सरकार से जेल में बंद अतीक के दोनों नाबालिग बच्चों की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। संभल से समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क ने आरोप लगाया कि यूपी गवर्नमेंट पुलिस कस्टडी में अतीक को मरवाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अतीक और अशरफ दोनों को सरकार ने मार डाला, अब यूपी सरकार अतीक के दोनों नाबालिग बच्चों की सुरक्षा की गारंटी ले। पुलिस और अदालत, कानून सब कुछ है हमारे पास। पुलिस की कस्टडी में किसी को मारा जाएगा तो अदालतों की क्या जरूरत है? हमारी अदालतें फिर बेकार हो गई, उनका क्या असर होगा? सपा सांसद ने आगे कहा कि अतीक और अशरफ के साथ जुर्म हुआ है, उन्हें कानूनी इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ जब होता है तब होता है, चाहे उनको सजाए मौत होती या फांसी पर लटकाया जाता, कुछ भी था, मगर अदालत मौजूद है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मौजूद है, अदालत बनी हुई है, अदालत को उनके केस को भेजना चाहिए था। अब तो जुल्म की इंतहा हो गई है, कानून तो इतनी ताकत नहीं देता कि सरकार अतीक और अशरफ को मरवा दे। सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान ने कहा, लेटर तो मिल चुका है, उन्होंने इंसाफ मांगा था। आगे कहा कि अतीक और अशरफ पुलिस कस्टडी में कैसे मारे गए, इसमें केंद्र और यूपी सरकार दोनों की बड़ी लापरवाही है। उन्होंने कहा कि अब खतरे में सच्चाई है, अतीक और अशरफ को तो मार डाला, लेकिन अतीक के दोनों नाबालिग बच्चों की सुरक्षा की जानी चाहिए और यूपी सरकार अतीक के दोनों बच्चों की सुरक्षा की गारंटी दे। तो देखा आपने, सपा सांसद को अतीक के बच्चों की चिंता सता रही है। जहां योगी सरकार पहले से ही अतीक के नाबालिग बच्चों को बाल केंद्र में रखकर उनकी सुरक्षा पर कड़ी नजर रख रही है, वहीं सपा सांसद ऐसी मांग उठाकर ये दिखाना चाहते हैं कि योगी सरकार अपना काम नहीं कर रही है। लेकिन योगी सरकार हर एक चीज पर नजर बनाए हुए है। यूपी से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।